मारूफ कानून दान और मुस्लिम लीग नून ओवरसीज के चीफ कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक ने वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के नाम खत तहरीर किया, जिसमें उन्होंने दुनिया भर में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पेश करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की कि फौरी तौर पर मुतालबात के हल के लिए इकदाम किए जाएँ। अपने खत में बैरिस्टर अमजद मलिक ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान लाने पर आए ड्यूटी फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया, जबकि पाकिस्तान आने पर एयरपोर्ट पर उन्हें सहूलियात फराहम करने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जा ख़त्म करवाने, पाकिस्तान में चलने वाले केसेस की ऑनलाइन समाप्त करने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी देने के लिए इकदाम की सिफारिश की गई। बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना $30 अरब पाकिस्तान भेज कर पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करें हैं, उनके लिए खसूसी इकदाम वक्त की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सरमायाकारी में सहूलत फराहम करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। मजीद कहना था, बैरून मुल्क फोत होने वाले पाकिस्तानियों को मैयतों को सरकारी खर्चे पर पाकिस्तान लाने और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को दुनिया के भर में फाल करना भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुतालबा और ज़रूरत है। बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलियात के लिए जल्द ऐलान करेंगे।